हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 11 ऐसे किचन टिप्स जो आपको हर रोज़ काम आने वाले हैं। और अगर आपको ये टिप्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन, तो हम सब के घर में हनी होता है यानी कि शहद, और अक्सर इसमें चींटियाँ लग जाती हैं, ये बेकार हो जाता है, खाने लायक नहीं होता है। तो इससे बचने के लिए हमें इसमें डालना चाहिए ब्लैक पेपरकॉर्न यानी कि काली मिर्च। तो यहाँ मैं 5 से 6 काली मिर्च इसमें डाल दूँगी और फिर उसके बाद आपका हनी बिल्कुल सेफ रहेगा, चींटियाँ भी नहीं लगेंगी इसमें। टिप नंबर टू, बिस्किट्स का पैकेट ओपन करने के बाद जब आप इसे कंटेनर में डाल देते हैं तो कुछ दिनों बाद ये थोड़े सॉगी से हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, इनकी क्रिस्पनेस चली जाती है। तो इसके लिए हमें इसमें डालना चाहिए शुगर। तो यहाँ पे 1 चम्मच शुगर डालूँगी मैं इस कंटेनर में। और अगर आपके मीठे बिस्किट हैं तो आप शुगर डालिए, नमकीन बिस्किट हैं तो आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। इससे आपके बिस्किट सॉगी नहीं होंगे, सिलेंगे नहीं और ऐसे ही फ्रेश रहेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्हें हमें एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है। टिप नंबर थ्री, पुदीने के पत्तों को जल्दी से फटाफट से निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रेनर का, यानी कि पूड़ियाँ तलने के लिए जिस छन्नी का हम यूज़ करते हैं उसे हम यूज़ करेंगे। ये छन्नी हम सबके पास होती है, इसे बस आपको होल्स के बीच में से पास करना है और नीचे से पुल करना है, बहुत ही आसानी से सारी लीव्स निकल आती हैं। ये देखिए, इस ट्रिक को आप धनिया और मेथी के साथ भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सारी लीव्स निकल आएंगी। टिप नंबर फोर, तो ये एक बहुत ही आसान सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा निगलेक्ट की जाती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि लोग रोटियां, पराठे या पूरियां बनाने के बाद अपने चकले बेलन को ऐसे ही रख देते हैं, जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स को इनवाइट करते हैं। तो इसके लिए आपको चकले बेलन को तुरंत वॉश करना चाहिए, चाहे आपने एक ही रोटी क्यों ना बनाई हो, आप अपने चकले और बेलन को तुरंत वॉश करके उसके बाद ही उसे रखें और ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखें। टिप नंबर फाइव, तो अक्सर हम तेल में, गरम तेल में पूड़ियाँ या कुछ भी तलने का काम कर रहे होते हैं और गलती से कुछ बूंदें पानी की गिर जाती हैं। अगर एक भी ड्रॉप पानी की गिरती है तो तेल उछल उछल के बाहर आता है, जिससे आप जल भी सकते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए तुरंत आपको इसमें थोड़ा सा नमक डालना चाहिए। सिर्फ 1/2 चम्मच नमक आप डालेंगे तो ये तेल एकदम शांत हो जाएगा और आप आराम से अपना काम कर लेंगे। टिप नंबर सिक्स, तो बूंदी का रायता तो हम सबके घर में बनता है बट बहुत सारे लोग बूंदी को पहले पानी में भिगो के और उसके बाद दही में डालते हैं, जिससे रायते का टेस्ट थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, पतला सा हो जाता है रायता। इसके लिए आप खाना सर्व करने से पहले 10-15 मिनट पहले आप बूंदी को डायरेक्ट दही में डाल दें, दही का सारा पानी भी अब्सॉर्ब कर लेता है और अच्छा गाढ़ा रायता बनता है जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। टिप नंबर सेवन, तो आज भी कई सारे लोग बर्तन धोने के लिए सोप का या बार का यूज़ करते हैं, चाहे वो उसे खुद वॉश करते हैं या फिर उनकी हाउस हेल्पर करती है, बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा डिश वॉश जेल का ही यूज़ करें बर्तन धोने के लिए। इससे आपके बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन तो होते ही हैं, गलती से भी कहीं सोप लगने का डर नहीं होता है और बर्तनों से किसी तरह की स्मेल भी नहीं आती है। बहुत ही ईजी एंड कन्वीनियंट है एंड बहुत इकोनॉमिक है, कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचें कि कॉस्टली है और मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती हूँ। टिप नंबर एट, अगर आपको दही जमाना है और आपके पास स्टार्टर नहीं है, जामन नहीं है, तो सबसे पहले दूध को हल्का गर्म करके एक पतीले में डालें जिसमें आपको दही जमाना है। ये प्रोसीजर तो हम नॉर्मली करते ही हैं। और इसके बाद डालूंगी मैं इसमें एक चांदी का सिक्का, हम सबके पास चांदी का सिक्का तो होता ही है। और अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप कोई भी चीज़ चांदी की बनी हुई, चाहे वो रिंग हो, चेन हो, कड़ा हो, कुछ भी हो, आप उसको डाल सकते हैं दही में, बट मेक श्योर वो अच्छी तरीके से साफ़ किया हुआ हो। इसे डालने के बाद स्पून से एक बार मिक्स कर देंगे
और उसके बाद ढककर इसे गर्म जगह पर रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। अच्छी गाढ़ी दही जमेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें स्टार्टर नहीं डाला है। टिप नंबर 9, तो अगर हमें घर में कटहल को काटना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है, ये आपकी नाइफ़ पे भी चिपकता है, आपके हैंड्स पे भी चिपकता है। तो इसके लिए सबसे पहला तो ये करें कि एक अच्छी धार वाली चाकू लें, अच्छी धार वाली नाइफ लें और उसके बाद थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लें, इसे आप अपने हैंड्स पे लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर लें, अपने पाम्स पे लगा लें और साथ ही साथ थोड़ा सा ऑयल अपनी नाइफ पे भी लगा लें। दोनों तरफ से नाइफ पे भी लगा लें और इसके बाद आप देखेंगे कि कटहल बहुत ही आसानी से कट जाएगा और बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं, आपके हाथों पे फिंगर्स पे भी नहीं चिपकेगा बिल्कुल। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से मैं इसे काट रही हूँ। और अगर आप ऑयल लगाना भूल गए हैं और कटहल चिपक सा गया है आपके हाथों में, तो उसके बाद भी आप मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हैं और थोड़ी देर बाद अपने हैंड्स को वॉश कर लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके फिंगर्स और हैंड। टिप नंबर 10, तो अगर आप पूड़ियाँ बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं या कुछ भी डीप फ्राइड चीज़ बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली ना लगे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि इसमें आप सॉल्ट डाल दें, थोड़ा सा ऑयल में ही पिंच ऑफ सॉल्ट आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, ऑयल उनके अंदर नहीं गया है और किसी भी चीज़ में एक्सेस ऑयल नहीं है। टिप नंबर 11, तो जब भी आप अपने फ्रिज को डीप क्लीन करते हैं तो एंड में उसे आप क्लीन करें विनेगर, लेमन एंड बेकिंग सोडा के मिक्सचर से, जिससे आपके फ्रिज में किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी और वो बैक्टीरिया फ्री भी रहेंगे। तो ये थे आज के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।